भाई एक साइड रख इसको। उड़ जा, उड़ जा। भाई बर्फ देखो कितनी साफ है यहाँ पे, बिल्कुल वाइट, क्रिस्प एंड क्लियर एकदम। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. एकदम से डेचू डेचू आ गए सारे, गिर गए हम। इतने सारे डेचू डेचू नीचे जा रहे हैं। आप लोग पहले चलो, हम लोग से ज़्यादा मेहनत तो आप लोग करते हो। देख लिया आपने नज़ारे सुबह सुबह के। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज ऋतिक कक्कड़ एंड यू आर वॉचिंग ऋतिक कक्कड़ व्लॉग्स। आज है हमारे ट्रिप का डे 4 और अभी हम लोग हैं सांकरी के अंदर, हमारे होटल के अंदर। और आज डेट 1 मार्च 2021 और आज हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। और आज डेट है 1 मार्च 2022 और आज हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है केदारकंठा ट्रैक। हम अभी बेस में हैं जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है सांगरी में, और मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया हुआ है मेरे दोस्त मानव ने। इसके अलावा हमें 14 लोग और ज्वाइन करेंगे, जो हमारा ग्रुप है वो शायद ऊपर ब्रेकफास्ट के लिए पहुँच गए। हम भी बस ब्रेकफास्ट करने निकलेंगे और बहुत एडवेंचर होने वाला है, समझ रहे हो आप। लेकिन सुबह सुबह मैंने एक एडवेंचर ऑलरेडी कर लिया, पता क्या बताऊँ, -3 डिग्री में कपड़े उतार के नहाना, बहुत बड़ा एडवेंचर है ये। उसके बाद आपके पास टॉवल ना होना, तो क्या करना, उसके बाद आपके पास टॉवल ना होना और ऊपर होटल वाले टॉवल ना दें आपको, तो आप क्या करोगे बताओ। वैसे तो हम पूरे ट्रिप में टॉवल हमें मिल गया, जहाँ जहाँ पे हम रुके हैं हर होटल में मिल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे कपड़े सूखते नहीं ना, बहुत ठंड रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। एक बार सामने का नज़ारा आपको फिर दिखाता हूँ मैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मस्त, एक ही नंबर। तो हम कहाँ थे, टॉवल पे, तो आपको मैं बताता हूँ हमने टॉवल का इंतजाम कैसे किया, आओ मेरे साथ आओ। तो हमने टॉवल का जुगाड़ किया था ये कर्टन उतार के, दोनों कर्टन ना गिल्ले हो रखे, जिसमें से एक इसने यूज किया है, एक मैंने यूज किया है। तो और ये आइडिया पता किसका था, आइडिया पता किसका था, शैतानी दिमाग किसका था, ये इसका। तो भाई ऐसे चलता रहता है, यही होता है ट्रिप्स में, छोटी छोटी यादें होती हैं, ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं, हरकतें होती हैं जो याद रह जाती हैं हमें। और ये हमारे भाई जो हमें आज ट्रैक पर लेके जाएंगे, भाई क्या नाम है आपका, सुरेश चौहान। सुरेश चौहान, आपने ख्याल रखना बस हमारा, बहुत अच्छे से ट्रैक कराएंगे ये हमें। और बस अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए, भाई भी बुलाने आ गया हमें, सो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, चाय, इडली, ब्रेड है, सांभर और फ्रूट्स है, फ्रूट्स में पपीता है और ये जैम है। तो शुरुआत करो डालने की। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और यहाँ से हमारे बैग अब हमने ऊपर रखने हैं, जो हमने लेके जाने हैं वो हम कैरी करेंगे, जो हमने लेके नहीं जाने हैं वो ऊपर यहीं रिसेप्शन पे छोड़ देंगे इनके, और हम नहीं सारे, पूरा ग्रुप हमारा वहीं छोड़ देगा और बाकी यहाँ पे बैग सेफ रहेंगे, जो ऐसा ये कह रहे हैं। अभी इधर ये सारा सामान पैक कर रहे हैं जो हमें ऊपर लेके जाना है ना, सब लोड होएगा। क्या सामान लेके जा रहे हो आप ऊपर, ये अपना खाने पीने का, टमाटर हुआ, दूध हुआ, हर आइटम है। ठीक है, ये 5 दिन का स्टॉक है सारा हमारा ऊपर जो हम खाएंगे। एक डिले हुआ तो पूरा ग्रुप डिले हो जाएगा, 16 लोग हैं, वो लोग 2 हैं, तो ट्राई टू वॉक टुगेदर रास्ते में भी। बाकी जिसका जीरोक्स नहीं है वो सामने जीरोक्स करा लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सबमिट कराना पड़ता है फॉरेस्ट में। ठीक है जी, और साथ साथ चलना। ऑलराइट, सो अभी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं और ये हमारा पूरा काफिला चल पड़ा जो 16 लोगों का है और 2 उसमें गाइड है हमारे, हम सब चल पड़े हैं केदारकंठा ट्रैक को अपने। 1 मार्च 2022 है और आज महाशिवरात्रि है, तो सबको हैप्पी महाशिवरात्रि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि जिसको जो जो सामान लेना है, और हमारी आईडी प्रूफ की उन्होंने फोटो कापी नहीं कराई ना, वो फोटो कापी कराएंगे, क्योंकि जब फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होगा तो वहाँ सबमिट करानी पड़ती है हमें अपनी आईडी। लास्ट मार्केट यही है, टॉयलेट रोल वगैरह वगैरह, आपको साबुन सर्फ जो भी चाहिए यहीं से खरीद सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को ट्रैकिंग से रिगार्डिंग कोई भी सामान लेना हो, वाटर बॉटल, ट्रैक पैंट्स, ट्रैकिंग बूट्स या ऐसी स्टिक, एनीथिंग यू वांट, तो आप यहां से इस सांकरी की मार्केट से ले सकते हैं। जब आप ट्रैक पे निकलते हो तो जो भी आपका गाइड होता है ना, उस टाइम वो आपको 10 या 15 मिनट का टाइम देता है, यहां से जो जो सामान आपको कलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ना पूरा ट्रिप अपना शूट करना है ना, मतलब व्लॉग टाइप में, तो आप यहां से गोप्रो भी रेंट कर सकते हैं। क्या रेंट है भैया इसका, 2000 फुल ट्रिप चार्जेस। सो अभी हम लोगों के ट्रैक स्टार्ट हो गया है, हम लोगों ने सांगरी मार्केट से ट्रैक स्टार्ट किया है और आज की जो हमारी
डेस्टिनेशन होगी, जो हमारी मंजिल होगी वो है जुड़ा का तालाब, जो हमें पहुँचते पहुँचते 4 घंटे लग जाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा जोश है मानव, जोश कैसा ब्रो अभी तेरा? क्रेजी क्रेजी, बढ़िया बहुत बढ़िया। हम लोग 16 लोगों का काफिला है, नहीं 18 लोगों का काफिला है हमारा, जिसमें से 16 हम हैं और 2 हमारे गाइड हैं जो हमें ट्रैक पे लेके जाएंगे, और मेरे साथ ये 2 भाई हैं। हे ब्रो, भाई अपना अपना नाम बता दो। मेरा नाम आनंद है, मैं केरला से, मैं ये मेरा पहला ट्रैक है। ओके सेम ईयर, मेरा नाम डीएस, हमको सब डीएस बोल के जानते हैं, वही बोलो सब डीएस। डीएस ब्रो, हाउ इज द जोश? हाय ब्रो, हाय, नाइस। बस इसी जोश के साथ चलना हमने, है ना भैया? 4 घंटा। ये हमारे एक पहले गाइड हैं और दूसरे गाइड वो हमारी टेल संभाल रहे हैं। हम लोग सबसे आगे हैं जितने भी हैं, और थोड़ी देर में हम सबसे पीछे होंगे, पीछे वाले आगे होंगे। अभी तो हम जोश जोश में चल रहे हैं ऊपर। लेट्स बिगिन, इफ यू नेवर गो यू नेवर नो, यहाँ से ऑफिशियली हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। लेट्स गो, लेट्स गो। अभी तो ना स्टार्टिंग में ही स्लश है थोड़ा सा, आगे स्नो मिलेगी हमें। स्नो कितनी देर बाद मिलेगी भैया? 200-300 मीटर के बाद, होप सो 200-300 मीटर के बाद स्नो भी मिल जाए हमें। अभी तो पूरा का पूरा स्लश है ये। दारकंठा ट्रैक का स्टार्टिंग का जो ट्रेल था वो थोड़ा क्लाइम करके आना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी रॉकी एरिया था वो। और एक बात पता लगी इस 15 मिनट के अंदर कि जितना हो सके ना आप लाइट वेट सामान ही लेके आना। और अभी यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लिया है, सब यहाँ पे बैठे थे, पानी वानी पिया सबने, और अब आगे की तरफ निकलते हैं जुड़ा की तालाब की तरफ। मानो ब्रो, ये भाई कह रहा था ना चलने से पहले कि 300 मीटर के बाद स्नो दिख जाएगी, और हमें चलते चलते 20 से 25 मिनट हो गए हैं, या तो स्नो ही नहीं है यहाँ पे, या 300 मीटर नहीं है, 300 मीटर नहीं है, यहाँ 300 मीटर नहीं हुए। अब पता नहीं हम अपना कहाँ कटवा रहे हैं। चलो देखो, देखते हैं आगे। चलो अभी तो ट्रैक स्टार्ट किए हुए 1/2 घंटा हो गया है, और इधर हम पीने लगे हैं याकूल। पियोगे भाई? क्या है भाई याकूल? और पी लो थोड़ा थोड़ा। चीयर्स। आजा घर ले लेंगे डीएस भाई यहाँ पे 1 साल के लिए। सोच रहा हूँ वही करूँ। यहाँ पे तब बस जाओ, सारे ट्रैक कंप्लीट करो, यू विल मीट योरसेल्फ। सही बात है, ये नशीला पदार्थ है याकूल्ट, ये हमें एनर्जी देगा। दूध है भैया दूध। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे बैग एक्सचेंज, क्योंकि हमने ना पता क्या किया हुआ है, सीक्वेंस बनाई हुई है। 1000 स्टेप्स मानव उठाएगा बड़ा बैग, और मैं छोटा बैग उठाऊंगा, फिर उसके बाद अल्टरनेट कर लेते हैं। 1000 स्टेप मानव छोटा उठाते हैं, मैं बड़ा उठाता हूँ, ऐसे ही चलेगा। मानव भाई लगी हुई है फुल टाइम। ये देखो पहाड़ी डोगू। अभी केदारकंठा ट्रैक स्टार्ट किए हुए हमें हो गए हैं 2 घंटे। हमने स्टार्ट किया था 9 बजे, और अभी टाइम हो गया 11, और अभी हमने यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लिया है। इस कैफ़े पे सोचा था कुछ खाएंगे, लेकिन ये कैफ़े आज बंद है, तो हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे वहाँ पे खाएंगे। हम लोगों ने 10-1 मिनट यहाँ पे रेस्ट कर लिया, सबने अपनी जैकेट वैकेट उतार दिया जिसने उतारनी थी, क्योंकि ट्रैक करते करते ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अभी तक हमने 2 किलोमीटर किया है, और 2 किलोमीटर तक हमें ज़्यादा स्नो नहीं दिखी। अब उसके बाद आके देखो स्नो ही स्नो है, जो हम आगे का ट्रैक करेंगे वो स्नो में ही करेंगे। और बाकी मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे दोस्तों से, और उनसे पूछते हैं कि उन लोगों का अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा। 2 किलोमीटर चले अब तक, तो क्या क्या परेशानी है, क्या मज़ा कितना आया? मज़ा भी आया और दिक्कत भी हुई है, वो सिर्फ बैग भारी है इसलिए। मज़ा तो आई, बट इनके राशन की वजह से मेरा बैंड बच गया। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो ये ना पूरा ग्रुप आया इनका 8 जनों का, उसके अंदर ना सारा सामान ना इस लड़के को दे दिया उन्होंने, सब सारा अपना राशन पानी मेन सामान जो रात को ऊपर, समझ गए ना। कोल्ड ड्रिंक थी, गलत मत समझना आप, कोल्ड ड्रिंक। अरे बहुत जोरदार भाई, क्या मजा आया है, डिफिकल्ट भी था और उतना ही रिवॉर्डिंग भी है। जब जब ब्रेक ले रहे हैं तब बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत मजा आ गया यार। अब आगे बढ़ते हैं, सो लेट्स गो ऑन द वे टू जुड़ा का तालाब। अभी तक हमने 2 किलोमीटर ही क्रॉस किया, और 2 किलोमीटर और रह गया, हमें 2 घंटे और लगेंगे ऑलमोस्ट जूटा का तालाब पहुंचने तक। सांस बहुत चढ़ जाते हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते ना, क्योंकि बहुत स्टीप है ये वाली ट्रैकिंग, और हमारा ये फर्स्ट ट्रैक है इसलिए। और यहाँ से कुछ लोग नीचे आ रहे हैं ट्रैक करके। भाई कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस?
बहुत बढ़िया यार, फॉलो दिस गाय, ही इज अमेजिंग। थैंक्स ब्रो। यू आल्सो सब्सक्राइब ऋतिक कक्कड़। ओके, ऐसे ही चलते चलते अपना प्रमोशन कर दो, क्योंकि करना पड़ता है भाई। और आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और भाई मज़े तो बहुत आ रहे हैं आज, जो ये सब कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना गाइज, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। बहुत ही नेक्स्ट लेवल एडवेंचर है ये, बहुत मज़े आ रहे हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हैव दिस लाइफ, हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है, क्या ही बताऊँ, बस मज़ा ही आ गया आज। अभी मैंने अपना मेन कैमरा जो कैनन वाला है वो बैग में रख दिया है, मैंने अपना गोप्रो निकाल लिया, अब गोप्रो से शूट करेंगे, क्योंकि अब रास्ता थोड़ा ना टफ है, और वो वाला कैमरा हाथ में होगा तो फिर थोड़ा और टफ हो जाएगा, गिरने का डर रहेगा, और कैमरा टूट गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए अब हमने गोप्रो ले लिया, ये हैंडी सा कैमरा छोटा सा। नानू भाई मज़ा आ रहा है? बढ़िया एकदम, फुल ऑन फुल ऑन। सो भाई अगर आपके पास सिर्फ ट्रैक के पैसे हैं तो आप अपना बैग खुद कैरी करोगे, अगर आपके पास अपने बैग के लिए भी पैसे हैं तो ये खच्चर कैरी करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, सब कुछ पैसा है, मटेरियलिस्टिक वर्ड, यू नो। स्पाइक्स किसी को पहनना है? आ जाओ सब लोग। शूज के आगे लगाना है और पीछे से सीधे खींच दो, स्पाइक्स रेडी, ठीक है। चलते चलो, बढ़ते चलो। यहाँ पे क्या क्या है खाने को? मैगी है, मैगी है भैया, दो मैगी दो चाय। ये देखो कितने क्यूट होते हैं ना ये पार्टी डॉग। हेलो 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 कर दो सबको, हेलो, ये देखो हेलो करेगा सबको, हेलो, चाटेगा चाटेगा, प्यार कर रहे हो। सो फाइनली वी हैव मेड इट हमारे फूड पॉइंट पे। हम लगभग कितनी देर में पहुंच गए भाई? टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 3:40। टाइम हो गया 12:30, हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट किया था 9 बजे, 3:30 घंटे के बाद हमने फर्स्ट ब्रेक लिया खाने का। ब्रेक्स हमने लिए हैं पहले भी बीच में 20-20 मिनट चलने के बाद, और अभी हम खाएंगे मैगी। और यहाँ पे हमारा पूरा काफिला बैठा है जो मैगी इंजॉय कर रहे हैं। कितनी दूर रह गया जूडा का तालाब यहाँ से भैया? आया होगा 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर लेंगे हम लोग? 3 बजे के लिए पहुँचेंगे वहाँ। 3 बजे तक पहुँच जाएंगे? ओके जी भाई, मैगी हमने खा ली है, चाय भी पी ली है, बहुत एनर्जी आ गई खा के एक बार, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। अब फुल जोश है और फुल एनर्जी है मैगी खाने के बाद। जोश तो पहले भी फुल था हमारा, कम होता ही नहीं जोश। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पे हमने मैगी खाई है ना वो तो दूसरा ढाबा था, एक ढाबा और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बहुत फेमस ढाबा है वो यहाँ का, उस ढाबे का नाम है बांसुरी वाले का ढाबा, आपको मैं लेके चलता हूँ उसके पास। हमारे ढाबे के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है वो ढाबा, और जब मैं वहाँ बैठा था ना तो वो बांसुरी बजा रहे थे, और बहुत ज़्यादा कानों को सुकून देने वाली आवाज़, वैसी आवाज़ थी, बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे थे भाई वो। चलते हैं उनके पास, बांसुरी वाला ढाबा, और जहाँ से हमने चाय पी है वो ढाबा है वो। और क्या खबर? क्या खबर, आप बताओ क्या खबर लाए हो? अरे भाई बहुत मजा आ रहा है। और जो ये भाई हैं बांसुरी बजाते हैं भाई, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, बहुत ही अच्छी। जी भाई जी, क्या करे, ऊपर वाले भोले शंकर की माया है, उनका खेल तमाशा है ये। बहुत अच्छे विचार है आपके, बहुत अच्छे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जय भोलेनाथ। वापिस आते टाइम हम आएंगे ना यहाँ से, तो आपसे मैगी जरूर खा के जाएंगे। ठीक है भाई जी, ओके जी। और यहाँ पे इन्होंने आग लगा रखी है, क्या बन रहा है भाई इसमें?
इसमें गर्म पानी और चाय चुई बनती है। अच्छा, सेवक आएंगे, भक्त आएंगे, उनके लिए गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध देते हैं। बांसुरी वाले भैया से मैंने आपको मिलवा दिया है, अब हम चलते हैं आगे अपने जूडा के टाल की तरफ। जो मैगी की कॉस्ट पड़ी है हमें यहाँ पे वो पड़ी है 60 रुपीज़ की एक मैगी, और जो लेमन टी थी उसकी कॉस्ट पड़ी है हमें यहाँ पे 30 रुपीज़, और हमने यहाँ पे लिया मंच 5 वाली जो हमें यहाँ पड़ी है 10 रुपये की। थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे, क्योंकि बनता भी है यार, इतनी दूर पहाड़ों पे हम ऊपर आ रहे हैं, ये लोग भी बैठते हैं यहाँ पे, आते हैं सामान लेके, इतना तो बनता है कमाना इनका भी, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग भी। अभी रास्ता देखो कैसा है, प्रॉपर बर्फ़ के ऊपर ही चलना है हमने। ये हमारा ग्रुप चल रहा है आगे आगे, और पीछे पीछे अभी हम चल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक स्पाइडरमैन से मिलवाता हूँ, अभी आने वाले हैं ऊपर वो। भाई ये है वो स्पाइडरमैन जो जिनकी बात कर रहा था ना मैं, ये ऐसे मतलब कूद कूद के ऊपर चढ़ जाते हैं स्पाइडरमैन की तरह। भाई कहाँ से सीखा आपने ये? बचपन से इधर ही है सर, पहाड़ों में। आपने कोई कोर्स वोर्स किया क्या इसका? कौन कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट है? BMC कर रखा है सर अभी तो, बेसिक माउंटेन कोर्स। बेसिक माउंटेन कोर्स, ओके। अभी एडवांस के लिए अपीयरिंग कर रहा हूँ। सही है, लगे रहो भाई, लगे रहो। भाई बर्फ़ देखो कितनी साफ है यहाँ पे, बिल्कुल वाइट, क्रिस्प एंड क्लियर एकदम। भाई एक साइड रख इसको। हेलो डोगू, हेलो, हेलो बेबी, हेलो हेलो। सो गाइज हम लोग इस टाइम पे हैं 9100 फीट जूडा का तालाब, अभी यहाँ से थोड़ी देर और रह गया है। वो देखो वहाँ पे आपको सामने दिख रहे होंगे थोड़े से कैंप लगे हुए हैं, शायद वही हमारा कैंप साइड है या उससे भी आगे है, और ये सारे हमारे ग्रुप वाले यहाँ पे हैं। और अभी एक फ़ोटो तो बनती है भाई यहाँ पे, मानव एक फ़ोटो क्लिक करते हैं इसके साथ। और सामने का व्यू देखोगे, केदारकंठा ट्रैक की टोटल लेंथ है 23 किलोमीटर, और अपने जैसे नॉर्मल लोग उसको वन गो में नहीं कर सकते, इसलिए इट टेक्स 3 डेज। फर्स्ट डे आप ट्रैक करते हैं जूडा के तालाब तक, और रात आप वहीं बिताते हैं, और रात को आपको वहाँ पे सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स मिल जाते हैं, टेंट मिल जाते हैं, वो भी आप जिस कंपनी से आप बुक कराते हो अपना ट्रैक, आपको वही प्रोवाइड करा देते हैं सब कुछ, वो आपके पैकेज में इंक्लूड होता है, खाना पीना और रहना। एंड नेक्स्ट डे यू विल रीच द बेस कैंप फ्रॉम जूडा का तालाब, और उसके बाद समिट होता है जो कि है 12,500 फीट यहाँ से, बहुत दूर माइटी हिमालयाज में, जो कि बहुत खूबसूरत पहाड़ है, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग। और अभी ब्रेक ओवर हो गया, अब चलते हैं आगे, लेट्स गो। भाई अभी ना एक गड़बड़ी हो गई है, हम दोनों ने जो लास्ट रेस्ट किया था ना, हम अपने ग्रुप से बिछड़ गए हैं, दूर दूर तक नहीं दिख रहे वो, और अब हम खुद खोज रहे हैं अपना रास्ता अपने कैंप्स का। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, वो मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, वो मेरे तू आशिक रहना। तू मेरा रोज कमलित रोज।